हमारे साथ हैं मुंडियागढ़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मोहनलाल वर्मा जी। उनसे बात करेंगे किस तरीके का वो गांव में डैनी डैनी सैनिटाइज करवा रहे हैं, जिस तरीके से आप उनके पीछे देख सकते हैं कि अभी भी सैनिटाइज का काम चालू है। मोहन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अच्छा, धन्यवाद सर। मोहन जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का इनिशिएटिव आप कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, जब से लॉकडाउन चालू है तब से आप लगातार ग्राम पंचायत में बने हुए हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, किस तरीके का ये काम कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, दिन रात लगे हुए हैं, जन सेवा में लगे हुए हैं। ये सहयोग क्या कोई भामाशाहों के साथ में लेकर किया जा रहा है या सरकार की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है आपको? ये सैनिटाइज का तो सरकार के द्वारा हो रहा है, और वैसे भी हमारे पंचायत में जो भामाशाह हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं। भामाशाहों के सहयोग से काम किया जा रहा है लगातार। 4 बार खाने वाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो भूखे लोग ना सोए, जिसकी इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, भामाशाहों के द्वारा सभी को खाने की व्यवस्था की जा रही है और सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अच्छा, इसके कोई भी भूखा ना रहे। जो सैनिटाइज का काम है वो पिछले कब से चालू है, कितनी ग्राम पंचायत कितनी बड़ी है आपकी जिसमें आप ये काम करवा रहे हैं? अपने ग्राम पंचायत में 4 गांव है, 2 गांव हमने कवर कर लिए, दारणवास और ब्रह्मपुरा। अब मुंडियागढ़ में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ रामेश्वर जी बांगड़ुआ भी आपके साथ लगे हुए हैं, वो किस तरीके का, उनसे बात करना चाहेंगे एक बार। रामेश्वर जी, किस तरीके का आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस तरीके से सैनिटाइज में पूरे लगातार लगे हुए हैं, जिस तरीके से हमने पहले भी कवरेज किया था, तो आप किस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे कि कोई भी आमजन भूखा ना सोए? सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हर तरीके से हम सजग हैं और सचेत हैं, इसके लिए हम सैनिटाइजर का घर घर छिड़काव कर रहे हैं और एक भी घर नहीं बचे ऐसा कार्य कर रहे हैं। चाहे हमें सुबह से लेकर शाम तक इतना ही काम करना पड़े, जितना हो सके उतना करने के लिए तत्पर है। क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं जिसके तहत ये सैनिटाइजर को काम कर रहे हैं, इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है? ये भामाशाहों से मिलकर काम किया जा रहा है या सरकार की तरफ से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है ये सब कुछ? सरकार की तरफ से अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसमें भामाशाह नहीं, इस गाँव के जितने भी है वो उन युवाओं को साथ लेकर कर रहे हैं छिड़काव। इसमें किसी भी प्रकार की कोई किसी को परेशानी नहीं है, और उनको ये भी छिड़काव के साथ भाई आप घर रहो और दूसरे से दूरी रखो कम से कम 1.5 मीटर की, और घर में रहने के साथ साथ बचाव करो, किसी अनजान व्यक्ति आता है तो उससे दूर रहो, और राशन वगैरह जो भी मिलता है उस नहीं, जिसके पास नहीं आता है वो उसकी सूचना दे, उसके लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे घर भी होंगे जो लोग डेली वेजेस पे काम करते थे, मजदूरी करते थे, उन पे भी संकट आ गया होगा, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप सब लोग? भाई आप घर में व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए आज ज्यादातर लोग तो हैं वो संपन्न हैं, और उसके साथ साथ ये इतनी सी है दिक्कतें, भाई जो लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा परेशानी है, उनके लिए सरकार भी कर रही है और भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं टाइम टाइम पे। कुछ लोग बाहर से सावधानी आप जाके घर घर भी बता रहे हैं क्या, किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए जागरूक कैसे कर रहे हैं ग्राम पंचायत को आप? जागरूक बता भी रहे हैं, हमें फोन के माध्यम से कह रहे हैं, घर घर दूर कम जाते हैं लेकिन फोन के माध्यम से सबको बता रहे हैं, भाई आप अपने घर में रहो और सुरक्षित रहते हुए दूसरे का ऐसे सरकार के निर्देशों का पालन करो ताकि सब बचे। डेली जो रोजाना जो खाने पीने का सामान है, परचूने का सामान, वो कैसे गांव तक पहुंच रहा है अभी, उसकी क्या व्यवस्था की गई है? रोजाना खाने पीने की समस्या तो इतनी है नहीं ना, जितने जो गरीब परिवार है उनको स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है, जैसे मान लो आटा दिया जा रहा है, दाल है, तेल है, सब्जी है, तो उनकी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और बाकी इनके अलावा सब है वो संपन्न है, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो अपने आप कंडी बना के भी काम निकालते हैं, ज्यादातर सब्जियों के स्वास्थ्य कम करते हैं और अपना काम चला रहे हैं। आमजन तो परेशान नहीं है लॉकडाउन से, या आमजन परेशान है? जैसे आप लोग भी राशन के लिए कुछ जरूरत के सामान होता होगा, उसकी कमी होती होगी, उसको कैसा मैनेज कर रहे हैं? आदमी को सबसे पहले अपना जीवन चाहिए, और जीने के लिए अगर थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, ये सरकार अपने जीवन जीने के लिए कर रही है, बाकी सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, और ये आपत मोल लेने के बजाय सबको सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। आपके पीछे कुछ ग्रामवासी भी, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम, देखे उनका क्या कहना है।
हाँ मेरे पास है बन्नाराम जी भोसले, उनसे बात करो आप। हाँ जी सर। सर किस तरीके की सुविधाएं आपके पास पहुंचाई जा रही है, ग्राम पंचायत के जो भामाशाह हैं उनके द्वारा किस तरीके से जागरूक किया जाता है, आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखो सर, सबको जागरूक कर रहे हैं, हम भी जागरूक कर रहे हैं, हम भी कर्मचारी हैं, हम भी सबको दूर दूर रख रहे हैं और सुविधा के लिए सबके लिए मतलब संपन्न है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा तो है, 10-5 दिन का राशन तो है सबके लिए, अब और आ जाएगा सबके लिए, और बढ़िया काम है, सब में रहते हैं। और किसी तरीके की कोई परेशानी गांव में रहते हुए, गांव में कोई परेशानी आ रही है किसी तरीके की जिसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? अभी तक तो डाणियों में कोई परेशानी नहीं है, अभी तक तो सरपंच साहब कार्य कर रहे हैं, हमारे युवा है वो भी भाग रहे हैं इधर उधर और सबको मतलब सही व्यवस्थित चला रहे हैं, मतलब सब सही से चल रहा है, सही से मैनेज किया जा रहा है। हाँ सही सही मेंटेन किया जा रहा है, किसी का चारा नहीं है तो चारा भी आ रहा है, गेहूँ नहीं है तो गेहूँ भी आ रहा है, सब आ रहे हैं और संपन्न है, वैसे ज्यादा गरीब नहीं है और गरीबों के लिए तो सबको ये व्यवस्था करे, सरपंच साहब भी लग रहे हैं हमारे और युवा भी लग रहे हैं। मोहनलाल जी से बात करना चाहेंगे, सरपंच साहब आप अब बताइए कि किस तरीके से आप अब आगे मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि 14 तारीख से आगे भी बढ़ सकता है अभी लॉकडाउन, तो उस तरीके किस तरीके से आप इस सबको देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी है, 14 तारीख बाद में आगे बढ़ता है लॉकडाउन, तो बिल्कुल हम तत्पर हैं, सभी गांव वासी तैयार हैं, भामाशाहों की कमेटी तैयार कर रहे हैं, सबको अलग अलग कार्य सौंपा जाएगा, गरीबों की लिस्ट बना रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी, घर पर कोई रहे तो भूखा ना सोए, पूरे पंचायत वासी लगे हुए हैं और अच्छा सबका सहयोग मिल रहा है। आपके साथ कुछ युवा भी दिख रहे हैं पीछे, किस तरीके से लगे हुए हैं आप काम में? काम बहुत अच्छा चल रहा है पंचायत में। क्या योगदान रहा आपका युवाओं का, युवा सब लोग युवा जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनका सहयोग बहुत ही लगातार देखने में मिल रहा है, युवा सब साथ है और ये युवा शक्ति से ये काम आगे बढ़ रहा है। सब लोग प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह? कुछ दिन की परेशानी हो रही है, मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं आप लोग काम कर रहे हैं वो धन्यवाद की बात है। सरपंच साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।